भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। हाथ पैरों से कुछ होता है, जिंदगी हौसलों से चला करती है, चट्टान को तोड़ दिया करता है। गुजरात के भूकंप में 8-8 दिन के बाद दबे हैं लोग, तो भी जिंदा निकल आते हैं। ध्यान रखिए, जो जिंदा निकल आते हैं वो फिर से अपनी दुनिया बसा लिया करते हैं। मेरे भाई, एडमंड हिलेरी का नाम सुना होगा। 1952 में वो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने को तैयार हुआ, चढ़ा, असफल हुआ, गिरा, सफलता प्राप्त नहीं हुई, निराश नहीं हुआ, फिर चढ़ूंगा, फिर करूंगा, फिर लड़ूंगा जिंदगी से, देखता हूं जिंदगी कितना मुझे परास्त करती है। एक जगह लंदन में किसी सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया, दीप प्रज्वलन उनसे कराया गया। सभा में वो आमंत्रित हुए और जहां पर वे पहुंचे स्टेज पर, वहां हिमालय का एक चित्र लगा हुआ था। उस हिमालय को चित्र देखकर हिलेरी ने अपनी मुट्ठियां बांध ली। जब जब हिमालय का ख्याल आता उसने मुट्ठियां बांध ली कि तू क्या सोचता है कि तू जीतेगा मैं हारूंगा? नहीं, देखना एक बात याद रख, हिमालय पर्वत, एक बात याद रखना, तू बड़ा नहीं हो सकता, मेरे हौसले हर बार बड़े होंगे। ध्यान रखना, मैं एक दिन जरूर तेरी चोटी पर पहुंचूंगा। तू तो उतना का उतना ही रहेगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, तेरी चोटी इससे ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकती है, लेकिन मैं, मेरे हौसले, मेरे जज्बात इससे ज्यादा ऊपर जा सकते हैं। और 29 मई 1953 को उसने हौसले में वो जान भरी कि एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहले व्यक्ति का खिताब उसने प्राप्त कर लिया। मेरे भाई, आप क्या सोचते हैं कि हाथ पैरों से कुछ होता है, जिंदगी हौसलों से चला करती है, चट्टान को तोड़ दिया करता है। भगवान, जरा यह बताओ कि लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली कोई है क्या? भगवान महावीर ने कहा, हां, लोहे से भी ज्यादा शक्तिशाली अग्नि हुआ करती है जो लोहे को पिघला करके रख दिया करती है। तो भगवान, जरा इतना और बता दो कि अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली इस धरती पर कोई है? तो महावीर ने कहा, धरती अग्नि से ज्यादा शक्तिशाली पानी हुआ करता है जो आग को बुझा के रख दिया करता है। तो भगवान, फिर इतना और बता दो, पानी से ज्यादा शक्तिशाली कौन होता है इस धरती पर? तो भगवान महावीर ने कहा, पानी से ज्यादा शक्तिशाली आदमी का संकल्प हुआ करता है, आदमी के हौसले हुआ करते हैं। बोले, हौसलों से बड़ा कुछ होता है? तो महावीर ने कहा, संकल्प से बड़ा इस धरती पर कुछ नहीं हुआ करता है, और संकल्प में वो ताकत होती है कि पानी को पाताल से निकालने की ताकत आदमी के संकल्प में हुआ करती है। ध्यान रखिए, संकल्पों से जिंदगी जी जाती है, संकल्पों से जीवन चलता है। मान्यवर, विचार करिए, आप सोचिए, संकल्प बुलंद होना चाहिए इस आदमी के। इतने जल्दी हार मत मानो जिंदगी से, छोटी छोटी बात। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हेरो, हेरो 9 बार फेल हुए स्कूल। कितनी बार? ऐसा कोई महात्मा बैठा जो 9 बार फेल हुआ हो? 9 बार फेल हुए। पिता ने कहा, ये पढ़ाई बंद कर, तेरे बस की नहीं है, तू नहीं हो सकता पास। 9 बार फेल, चल पशु चरा, उठा डंडा, गाय चरा, भैंस चरा, तू पास नहीं हो सकता, तेरे भाग्य में पास होना लिखा ही नहीं है। उसने कहा, यार लगता तो ऐसा ही है कि अब मैं पास नहीं हो सकता। 9 बार फेल हुआ क्लास में। एक दिन बैठा था अपने घर में, एक चींटी को देख रहा है, चींटी चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है,
गिर रही है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। हीरो ने कहा, यार ये गिनू तो कितनी बार चढ़ रही है। उस दिन वो चीटी 99 बार चढ़ी और गिरी, 100वीं बार ऊपर चढ़ी। उसने कहा मिल गया, पिता से कहा मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा। बोले पागल है क्या, 9 बार फेल हुआ है। बोले 9 बार हुआ हूं ना, अभी 90 बार बाकी है। बोले क्या मतलब। बोले वो चीटी 100वीं बार ऊपर चढ़ी है, मैं तो अभी 9 ही बार फेल हुआ हूं, 90 बार। बाप ने कहा पागल, 90 बार में 90 साल लग जाएंगी, तू मर जाएगा, तू चींटी की बराबरी। अरे बोले कुछ भी हो जाए, अभी तो 90 बार मुझे पास होना। एक बात लग जाए आदमी को तो जिंदगी बदल जाया करती है, एक बात में जीवन के सूत्र मिल जाते हैं। बोले 90 बार तो अभी और पढ़ना है मुझे। बहुत जिद की पिता से, पढ़े लिखे, मालूम है 10वीं बार में वो बच्चा पास हो गया और वो सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो गया। उसकी किताबें मैथमेटिक्स में चला करती हैं, ध्यान रखिए। इतना महान गणितज्ञ बना, उसके जैसा गणित के सवाल हर करने वाला दुनिया में दिखा। आदमी थक जाता है, आदमी हार जाता है, आदमी अपनी सोच से हार जाता है। एक बात बताइए, दो पहलवान लड़ रहे हैं, दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों के दांव पेंच एक से है, कुश्ती लड़ रहे हैं, दोनों के एक से दांव पेंच, एक ही गुरु, एक सी ताकत, एक हारता है एक जीतता है। बताओ भाई कौन हारेगा कौन जीतेगा। बोलिए आपसे मेरा निवेदन है, दोनों लड़ रहे हैं, एक सी ताकत है, एक से दांव पेंच है, कुश्ती लड़ रहे हैं। एक से वजन और एक सी ताकत वाले होने के बाद भी एक तो हारेगा ना, एक जीतेगा, कौन हारेगा। ध्यान रखना, ताकत तन की एक सी है, हारता वही है जो मन से हार जाएगा, वो शरीर से हार जाएगा। मेरे भाई जो मन से हार मान लेता है वो तन से हार मान लिया करता है। तो मैं आज आपको सूत्र दे रहा हूं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिसका मन हार गया वो दुनिया में कभी विश्व विजेता नहीं बन सकता है। सम्राट सिकंदर अंतिम सांस तक विश्व विजेता के सपने देखते रहा। मान्यवर सपने देखिए, देखना चाहिए, बिना सपनों की जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ा करती है। हौसलों के साथ जिंदगी को जियो मेरे भाई। विपत्तियां आएंगी जीवन में, विपत्तियां जो होती हैं वो पार्ट ऑफ लाइफ है आदमी की जीवन में, जीवन का एक हिस्सा है। विपत्तियां पार्ट ऑफ लाइफ है और विपत्तियों में अपने आप को संभालना आर्ट ऑफ लाइफ हुआ करती है मेरे भाई, सबसे बड़ी कला हुआ करती है। मुसीबतों में अपने को संभाल के रखना बहुत बड़ी कला हुआ करती है। आर्ट ऑफ लाइफ बनाओ, पार्ट ऑफ लाइफ को ध्यान रखिए। जीवन की कला है जिंदगी, मौत से मत घबराइए। मान्यवर जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे आत्महत्या की भट्टी में मत झोंकिए। पूरी जिंदा दिली के साथ जिंदगी को जीने का प्रयास करिए। जियो, बहुत आनंद है इस जिंदगी में। बच्चों पर इतने पढ़ाई का प्रेशर मत डालो, बच्चों को बच्चों की कामयाबी देखना है या काबिलियत देखना है। मान्यवर ध्यान रखना, आप कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं, काबिलियत का ध्यान नहीं रखते हैं। बच्चों को कामयाब भले ना बनाओ, लेकिन बच्चों को काबिल जरूर बनाइए, ध्यान रखिए। कोई जरूरी नहीं है इतना प्रेशर मत डालो कि तुम्हारे बच्चे आत्महत्या करने को तैयार हो जाएं। अपने विचार उन पर मत लादिए, उनके ज्ञान की क्षमता को देखिए। वरना मां बाप इतना प्रेशर डालते हैं और जब रिजल्ट आता है तो हमारे घर का चिराग अपने हाथों से फांसी के फंदे लगाकर दुनिया से विदा हो जाया करता है, ध्यान रखिए। डिप्रेशन में जी रहे हैं लोग, तनाव में जी रहे हैं लोग,
ज्यादा और जल्दी नहीं, ध्यान रखना यहां तो संसार है, राजपाट छिन भी जाए तो वनवास में राम लक्ष्मण स्वर्गों जैसा जीवन जी करके दिखा दिया करते हैं। जिंदगी को जियो, पूरी आशा से जियो, पूरे विश्वास से जियो, आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ। यदि आप ऐसे विचार, महिलाओं से मेरा निवेदन, पुरुषों से मेरा निवेदन है, बड़ी विनम्रता के साथ, जब अपने उपलब्धियों पर अकड़ हो तो अपने ऊपर वालों को देखना, इस दुनिया में हमारे भी बाप बैठे हुए हैं, ध्यान रखना हमने क्या कमाया है। टाटा बिरला वालों को देखना, उनके आगे अपनी कोई औकात भी नहीं है, उनके चौकीदार की हैसियत नहीं है अपनी। रिलायंस बंधु इतना कमाया है उनने, जब अकड़ पैदा हो तो ऊंचे वालों को देखना, और जब निराशा पैदा हो तो अपने से नीचे वाले को देखना, जिंदगी तुम्हारी आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। मेरे पास इतना है, ईश्वर ने इतना दिया है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास चार छत, चार दीवार और एक छत भी मौजूद नहीं है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचना है, भौतिक असफलताएं और भौतिक सफलताएं, जब भौतिक सफलताएं आदमी को जीवन दे नहीं सकती हैं तो भौतिक असफलताओं को जीवन लेने का कोई अधिकार भी नहीं हुआ करता है। मान्यवर जीवन को जियो, पूरी जिंदा दिली के साथ जियो, हर हाल में जियो, जैसा भी जीवन आए ध्यान रखना। माता पिता डांट दे, बच्चों को गुस्सा कर दे तो ये मत सोचना कि मेरे बाप ने मुझे डांट दिया, मेरी मां ने मुझे डांट दिया। बच्चों से मेरा निवेदन है, सासू डांट दे तो बहू आवेश में ना आ जाए, वो इतना सा सोच ले, एक विचार बना ले कि यार मां बाप नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा, ये डांटने का हक तो हमने दुनिया में मां बाप को दे रखा है। अरे बड़े बुजुर्ग नहीं डांटेंगे तो हमें कौन डांटेगा, इतना सोच लो, बड़ी तसल्ली मिलेगी। हमारे ऊपर अनुशासन कौन रखेगा, फिर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, बच्चे बेटियां बहुएं गलती कर दें तो डांटने से पहले सोचना, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो कौन गलती करेगा, आपका घर चुकी बन जाए। बच्चों से ही तो गलतियां होती है, बहू से ही तो गलतियां, अरे आई है बच्ची है, ससुराल से आई है, हो गई गलती, उसके लिए इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत। जीवन को सुखी बनाने की छोटी छोटी सी बातें हैं, ये आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे, पलट के रख देंगे। गलतियां तो बच्चों से ही होती हैं, बड़े सोच लें बच्चे तो गलती करेंगे ही करेंगे, और बच्चे सोच लें मां बाप तो डांटेंगे ही डांटेंगे। जिंदगी को समझना, आराम से जियो, जिंदगी जीना एक कला है मेरे भाई, इस कला को थोड़ा सा सीखिए। ये जिंदगी बोझ भी होती है और जिंदगी वरदान भी हुआ करती है मेरे भाई। कांटों पे नजर होगी तो दुनिया में कांटे ही कांटे हैं, फूलों पे नजर होगी तो दुनिया में फूल ही फूल हुआ करते हैं। मान्यवर निवेदन है आपसे, पूरी जिंदगी को हौसले से जीने का प्रयास, हर हाल में जियो। एक साधु थे, अपनी बात समाप्त करता हूं, कुटिया में बैठे हुए थे और अचानक कोई एक गाय लेकर आया कि संत जी गौदान देता हूं, आज से गाय आपके आश्रम में रहेगी। संत ने कहा मजा आ गया, ये गाय मेरे आश्रम में रहेगी। बोले चेले चपाटी थे, बड़े खुश हुए, गाय आ गई, कल से दूध पिएंगे, दही बनेगा, छाछ मिलेगा, मावा मिलेगा, बहुत खुश हुए। संत ने गाय की बड़ी सेवा की, बड़े अच्छे से रखा, घास खिलाई, पानी पिलाया, बड़ी मस्ती संत की। 3 दिन बाद पता चला कोई गाय उठा के ले गया। संत ने कहा मजा आ गया। अरे चेलों ने कहा बाबा जी पागल हो गए क्या, गाय आई थी तब तो मजा आया था, ये चली गई तो अब काय का। अरे बोले बड़ा मजा आ गया, बड़ी जिंदगी आनंद में हो गई। अरे बोले संत जी पागल दिमाग खराब तो। अरे बेटा नाचो, गाय गई। अरे बोले अब दूध कहां मिलेगा, मावा कहां मिलेगा, छाछ कहां मिलेगा,
संत ने कहा एक तरफ गया वो दूध और मावा, अरे गाय गई तो गोबर उठाने की झंझट भी हमारे पास से चली गई, अब कहां की घास। मस्त रहो, भगवान का भजन करो, ध्यान रखिए, ऐसी जिंदगी जियो, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं भी वाह वाह है, यहां त्यों भी वाह वाह, हर समय वाह वाह है, ध्यान रखिए।